जय माता दी दोस्तों वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है कैसे हैं आप सब ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे महालक्ष्मी व्रत साल 2022 में कब मनाया जाएगा और इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा इसके अलावा हम आपको इस वीडियो में बताएँगे महालक्ष्मी व्रत की संपूर्ण पूजा विधि और उद्यापन विधि के बारे में लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल वर्ल्ड बेस्ट मैजिक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों सोलह दिनों तक चलने वाले महालक्ष्मी व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से प्रारंभ होकर अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि तक चलता है मान्यता है कि ये व्रत 16 दिन तक किया जाता है लेकिन कुछ लोग सिर्फ अंतिम दिन व्रत रखकर भी इस व्रत का पालन करते हैं या कुछ लोग तीन दिवसीय व्रत भी रखते हैं इसमें प्रथम दिन आठवें दिन और फिर सोलहवें दिन व्रत किया जाता है इस व्रत में अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है आप सिर्फ इस व्रत में फलाहार कर सकते हैं और फिर सोलहवें दिन पूजा करके इस व्रत का उद्यापन किया जाता है इस व्रत को रखने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं और आपका घर धन धान्य से भर देती हैं महालक्ष्मी व्रत में कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि सोलह दिन तक घर में मांस मदिरा का सेवन नहीं होना चाहिए घर में सिर्फ शुद्ध शाकाहारी और सात्विक भोजन ही बनना चाहिए आपको बता दें कि महालक्ष्मी व्रत में हर चीज़ सोलह की संख्या में इस्तेमाल की जाती है महालक्ष्मी व्रत की पूजा के लिए मिट्टी से बनी हाथी के ऊपर बैठी हुई लक्ष्मी जी की मूर्ति घर लाएं और आप सबसे पहले प्रातः काल उठकर सोलह बार कुल्ला करें और सोलह दूरवा अपने सिर पर रख कर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें हाथ में पुष्प अक्षत लेकर व्रत का संकल्प लें और मन में दृढ़ निश्चय करें कि मैं माता लक्ष्मी का यह व्रत पूरे विधि विधान के साथ करूंगी। माता लक्ष्मी अपनी कृपा करें और मेरा व्रत निर्विघ्न पूर्ण करें अब आप एक लकड़ी की चौकी लेकर उस पर लाल रंग का रेशमी वस्त्र बिछाएं और उस पर स्वास्तिक बनाएं और केसर या हल्दी से रंगे हुए अक्षत से अष्टदल कमल बनाएं और हाथी पर बैठी हुई माँ लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करें इसके बाद गणेश जी की स्थापना करें और श्रीयंत्र की भी स्थापना करें तत्पश्चात आप कलश की स्थापना करें कलश पर स्वास्तिक का चिन्ह बना लें एक लोटे में शुद्ध जल गंगा जल अक्षत हल्दी की गांठ, सुपारी और सिक्का डालें अब आम का पत्ता रखें और कलश के ऊपर चावल से भरी कटोरी रख दें और कलश के मुख पर मौली भी बांध दें अब एक नारियल पर चुनरी लपेट कर या मौली लपेट कर कलश के ऊपर स्थापित कर दें और कलश के बगल में अखंड ज्योति स्थापित करें जो लोग सोलह दिन का व्रत रखें तो वे अखंड ज्योति 16 दिनों तक जला सकते हैं या आप चाहें तो सिर्फ पूजा के समय ही जला सकते हैं और 16 दिन तक सुबह शाम माँ लक्ष्मी जी की पूजा जरूर करें तत्पश्चात एक सफ़ेद डोरा लें उसको 16 बार लपेटें और उसमें 16 गांठे लगाकर उसे हल्दी से पीला रंग लें और पूजा के समय ये धागा आप माँ लक्ष्मी को समर्पित करें और धागे की भी पूजा करें उसे भी अक्षत रोली पुष्प आदि अर्पित करें अब माँ लक्ष्मी की विधवत पूजा अर्चना करें उन्हें रोली अक्षत गुलाब का फूल गुड़हल का फूल कमल का फूल माला दूरवा इत्र पान सुपारी इलायची नारियल फल मेवा प्रसाद में आप गेहूं के आटे के बना मीठा रोट आदि चढ़ा सकते हैं इस तरह से विधवत पूजा करें धूप दीप जलाएं और ओम महालक्ष्मी नमा मंत्र का जाप करें अब आप माँ महालक्ष्मी व्रत की कथा सुनें हाथ में सोलह दाने गेहूँ के लेकर आप कथा सुनें और पूजा के बाद माँ से क्षमा प्रार्थना अवश्य करें दोस्तों व्रत के सोलहवें दिन व्रत का उद्यापन किया जाता है इसमें आप दो सूप ले लें अगर आपके पास सूप नहीं है तो दो स्टील की थाली भी ले सकते हैं इसमें सोलह श्रृंगार का सामान रख दें और दूसरे सूप से ढक दें अब आटे के सोला दिए बनाएं और उसे पूजा में जलाएं और सूप में रखा हुआ श्रृंगार का सामान माँ लक्ष्मी जी को स्पर्श कराएं और पूजा के बाद आप ये श्रृंगार का सामान किसी ब्राह्मण को दान दे दें और फिर जब चंद्रमा निकल आए तो जल लेकर चंद्रमा को अर्घ देते हैं माँ लक्ष्मी को घर में पधारने का आमंत्रण देते हैं अगर पति पत्नी दोनों मिलकर जल अर्पित करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा इसके पश्चात एक सुंदर सी थाली में माता लक्ष्मी के लिए बिना प्याज लहसुन का भोजन बनाएं। भोजन में आप पूड़ी सब्जी रायता खीर गुलगुले आदि भोजन बना सकते हैं भोजन के पश्चात माता की थाली ढक दें और सूप का सामान रात भर वहीं ढका रहने दें माता को भोग लगाने के बाद सभी व्रत करने वालों के लिए भी भोजन परोसें और ध्यान रखें कि पूर्व या पश्चिम दिशा की ओर मुख करके भोजन ग्रहण करें सुबह उठकर उस भोजन को गाय को खिला दें और दान की सामग्री ब्राह्मण को दान दे दें इस व्रत में ब्राह्मण को भोजन कराना अति शुभ होता है ब्राह्मण को श्रृंगार की वस्तुओं में सोलह चीजें दान करें इससे पुण्य फल की प्राप्ति होती है और जो सोलह गांठों वाला धागा है उसे आप पूजा के बाद अपने हाथ में धारण करें ध्यान रहे कि आप ये धागा कम से कम सोलह दिन अवश्य बांधें और फिर अगले दिन पूजन की सभी सामग्री विसर्जित करें इस तरह से 16 दिन का महालक्ष्मी व्रत संपूर्ण होता है तो चलिए अब हम जानते हैं कि साल 2022 में महालक्ष्मी का व्रत कब किया जाएगा तो आपको बता दें कि महालक्ष्मी व्रत 3 सितंबर 2022 दिन शनिवार को रखा जाएगा और अष्टमी तिथि की शुरुआत 3 सितंबर 2022 की दोपहर को बारह बजकर अट्ठाईस मिनट पर हो रही है और अष्टमी तिथि की समाप्ति 4 सितंबर 2022 की सुबह दस बजकर उनतालीस मिनट पर होगी और इस बार महालक्ष्मी व्रत की शुरुआत 3 सितंबर 2022 दिन शनिवार से हो रही है और महालक्ष्मी व्रत की समाप्ति 17 सितंबर 2022 दिन शनिवार को हो जाएगी इस साल कुल महालक्ष्मी व्रत के दिन पंद्रह पड़ेंगे दोस्तों महालक्ष्मी व्रत की कथा इस प्रकार है पुराने समय की बात है एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था वह नियमित रूप से श्री हरि विष्णु जी का पूजन करता था उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए और अपनी मनोकामना मांगने को कहा तब ब्राह्मण ने लक्ष्मी जी का निवास अपने घर में हो ऐसी इच्छा जाहिर की यह सुनकर भगवान विष्णु जी ने लक्ष्मी जी की प्राप्ति का सरल मार्ग ब्राह्मण को बता दिया विष्णु ने कहा कि मंदिर के सामने एक स्त्री आती है जो यहाँ आकर उपले थापती है तुम उसे अपने घर आने का आमंत्रण देना वह स्त्री ही देवी लक्ष्मी है देवी लक्ष्मी जी के तुम्हारे घर आने के बाद तुम्हारा घर धन धान्य से भर जाएगा यह कहकर विष्णु जी चले गए अगले दिन सुबह चार बजे ही ब्राह्मण मंदिर के सामने बैठ गया लक्ष्मी जी भी उपले थापने के लिए आई तो ब्राह्मण ने उनसे अपने घर आने का निवेदन किया ब्राह्मण की बात सुनकर लक्ष्मी जी समझ गईं कि ये सब विष्णु जी के कहने पर हुआ है लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण से कहा कि तुम महालक्ष्मी व्रत करो और सोलहवें दिन रात्रि को चंद्रमा को अर्ध देने से तुम्हारा मनोरथ पूरा होगा ब्राह्मण ने देवी के कहने के अनुसार व्रत और पूजन किया और देवी को उत्तर दिशा की ओर मुंह करके पुकारा लक्ष्मी जी ने अपना वचन पूरा किया उस दिन से यह व्रत इस दिन विधि विधान से करने से व्यक्ति की मनोकामना पूरी होती है तो दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद